लुक करते हैं बिजनेस न्यूज़ की जानिब। इंटरबैंक में आज रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने रिकॉर्ड तोड़ उड़ान भरी और इसकी कीमत में तेज़ी से इजाफा हुआ, जबकि कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर मजमूई तौर पर 98.98 महंगा होकर 285.09 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 10.09 कमी हुई, जिससे डॉलर 275 का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज दो तबकात में तकसीम होगा। 5 अरब के रमजान रिलीफ पैकेज में 1 अरब 15 करोड़ रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जबकि 3 अरब 84 करोड़ रुपए आम सार्फिन के लिए मुख्तस किए गए हैं। माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर 5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा BISP मुस्तहकीन के लिए, जबकि दूसरा हिस्सा आम सार्फिन के लिए मुख्तस किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर सराय के मुताबिक रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज 20 मार्च से होगा, जिसमें BISP मुस्तहकीन को 1 अरब 15 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान में खोदे गए कुएं से 25 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की पैदावार शुरू कर दी गई है। मजीद 200 मिलियन क्यूबिक फुट योमिया गैस की फरहमी भी मुमकिन होगी। माली पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वजीरिस्तान में वाक़ बन्नू वेस्ट ब्लॉक में खोदे गए ST1 एक्सप्लोरेशन कुएं से 25 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की पैदावार शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर माली गैस कंपनी का कहना है कि दूसरे कुओं से मजीद गैस की फराहमी 220 मिलियन मकब फिट यूमिया भी मुमकिन होगी,